इंडोनेशिया में कोरोना वायरस महामारी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। इस महामारी की वजह से देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन के लिए देश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। इंडोनेशिया में ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ऑक्सीजन की आस में लोगों की घरों में ही मौत होती जा रही है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जमकर कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां पहली बार 54,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 27 करोड़ से ज्यादा वाली आबादी वाले इस देश में पिछले 24 घंटे में 1,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। इंडोनेशिया में एक तरह की हेल्थ आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जुटी है, तो वहीं 2,000 से अधिक नए स्नातक डॉक्टर और 20,000 नर्सों को जल्द ही अस्पताल में तैनात करने का फैसला लिया गया है। इंडोनेशिया एशिया का नया हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है, तो पड़ोसी देशों के लिए भी ये चिंता का विषय है। यहाँ हालात इतने भयानक हैं कि लोगों को अस्पताल में जगह तक नहीं मिल पा रही है और घरों में उनकी मौत हो रही है। शमशान घाट की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ हालात कितने बेकाबू हैं। लाशों को दफनाने के लिए एम्बुलेंस कतारों में खड़ी है। इंडोनेशिया नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसके पीछे लोगों की बड़ी लापरवाही है। अभी इसे हल्के में न ले, इस तरह की चेतावनी लगातार विशेषज्ञों की तरफ से दी जा रही है।